हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर फाइट की एक और वीडियो में। और यह है एक बिल्डअप वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको कहा था कि अब टियर 3 मेटल्स को सेव करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास एक ब्लास्ट के भी 10 हो गए हैं और मेरे पास कॉम्बैट के भी 10 हो गए हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि कॉम्बैट को टियर 3 कर दूँ। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं देखता हूँ कि मुझे किस कॉम्बैट को टियर 3 करना है तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। मेरे को सिर्फ हल्क करने की ज़रूरत है, उसके अलावा मुझे ब्लेड करने की ज़रूरत है और उसके अलावा मुझे नेमोर करने की ज़रूरत है। तो इनमें से मैं नेमोर को चूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि नेमोर अभी स्टोरी मिशन में आ रखा है, स्टोरी मिशन में तीनों में से एक भी नहीं आ रखे हैं और चांसेस हैं कि फ्यूचर के मिशन में ब्लेड आए, बट स्टिल मेरा मन नेमोर को है तो मैं नेमोर को करूँगा, ठीक है। तो नेमोर कहाँ होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, नेमोर कहाँ होगा, ये रहा नेमोर, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले ही टीयर 2 और लेवल 60 पे है। जैसा कि आपको पता है मैंने इसे प्रीमियम टीयर 2 सेलेक्टर दिया था। इसका पोटेंशियल मैंने रियलाइज़ कर लिया है तो उसे अनलॉक्ड करते हैं इंपीरियस रैक्स, ठीक है। एनहांस करते हैं पोटेंशियल एज यूजुअल, जैसा कि मैंने आपको बताया है मैक्रन क्रिस्टल यूज़ करें पोटेंशियल एनहांस करने के लिए, क्योंकि ये बाद में यूज़ नहीं आते हैं, जबकि फिनिक्स फैदर गियर को अप करने में यूज़ आते हैं, इसलिए हमेशा मैक्रन क्रिस्टल यूज़ करें। वैल्यूज़ बता देता हूँ, ये 50, ये 276 और ये रहेंगे 231। टड़ा, लेवल अप करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है हम बीस्ट से लेवल अप कर रहे हैं, बीस्ट के 361 बायोस। एनहांस पोटेंशियल ये अब 100 लगेगा, ये लगेगा 553 और ये लगेगा 461। गो फॉर इट, ठीक है। लेवल अप करेंगे बीस्ट से और येरा 424 बायोस। फिर से एनहांस पोटेंशियल ये 151, ये 827 और ये 690 पे क्लिक, डन। लेवल अप बीस्ट बायोस ये रहे कितने 477 बायोस। फिर से एनहांस पोटेंशियल ये 301, ये 1667 और ये 1389। और इस बार मैं थोड़ा सेव करने की सोच रहा हूँ मटेरियल। ठीक है, इतना खूब है, लेट्स गो। हो गया, लेवल अप करेंगे बीस्ट से 537 बायोस। एनहांस पोटेंशियल अब ये 400 आखिरी, ये 2223 आखिरी और ये 1852। और फिर से थोड़ा सेव करेंगे मटेरियल्स। आई थिंक इतना खूब होगा, ठीक है। कितने हो गए, 1721 हो गए, लेट्स गो, चलते हैं। और ये भी हो गया, लेवल अप करते हैं आखिरी। और ये बीस्ट कहाँ गया, मिस कर गए हम बीस्ट, ये 604 बायोस, ठीक है। इसके बाद ओके करते हैं गियर्स की बाजी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्रन क्रिस्टल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फिनिक्स फेदर्स गियर्स में यूज़ आते हैं, तो अब गियर्स काम करेंगे। वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, जितनी वैल्यू यूज़ होगी गियर अपग्रेड्स में वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। 17 is bad, 17 again is bad, 20 is good, 19 is bad, 18 is average, 6, 11, 15, 4 okay, 4 is good, 15 is average, 10 is okay, 20 okay, 20 is bad, 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 20
तो इतने तो फिनिक्स फैदर यूज़ हुए और इतने यूज़ हुए TCP एंड EOD। ठीक है गाइस, तो अब ये भी हो गया, गियर अपग्रेड हो गए, सब कुछ हो गया, क्या बचा है एडवांसमेंट ओनली। ठीक है, ओके गाइस, तो अब एडवांसमेंट की बाजी है। अगर आप देखना चाहें तो ये है मेरे पहले के स्टैट्स कुछ, और एडवांसमेंट पे क्लिक करते हैं। 10 कॉम्बैट बुक्स, 800 CCF, जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल करेक्टर है, चाहे प्रीमियम करेक्टर हो, और नेटिव टीयर 2 या नेटिव टीयर 3 नहीं है। 1000 EOD, 500 TCP, ये आप इंक्रीज देख सकते हैं, एडवांस करते हैं। ओके, एनिमेशन अच्छा था, बस दिखने में अच्छा नहीं था, कॉन्सेप्ट अच्छा था पानी के अंदर और वो सब।
चैलेंजेस में कुछ भी नहीं, मेरे वो होंगे क्रिस्टल्स और इसके क्रिस्टल्स तो सारे बचे होंगे, ये तो अभी अभी मैंने किया है। ठीक है, तो ये भी TLC हो गया। पुरूज मेरे पास नहीं है, वर्क करना पड़ेगा। स्किल्स सारी की सारी लेवल 1 है मेरी, इसे भी अपग्रेड करनी है मुझे। टाइप भी एनहांस करना है, मैंने कुछ नहीं दिया। ISO 8 भी नहीं दिया है मैंने इसे, वाह। आर्टिफैक्ट उसका वैसे भी नहीं है, कस्टम गेयर भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, पूरा खाली नल्ला पड़ा है। तो ठीक है, बचाओ वर्क भी इस पर करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो बैक करते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमारा द कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये रहा हमारा द वाटर कंट्रोलर। ठीक है, हेयर इज अवर द वाटर कंट्रोलर विथ ट्राइडेंट। ठीक है, चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ फिर। थैंक यू, बाय बाय।